संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा 2019 के अंतिम परिणाम जारी कर दिए हैं। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवारों की सफलताओं की कई कहानियां इंटरनेट पर छाई हुई है। इनमें से एक कहानी ऐश्वर्या श्वेराण की है, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 में 93वां स्थान हासिल किया है। ऐश्वर्या की कहानी का बेहद दिलचस्प मोड़ ये है कि इन्होंने ग्लैमर की दुनिया छोड़कर सिविल सेवा की तरफ रुख किया है, जो अमूमन ऐसा कम होता है। दरअसल ऐश्वर्या एक सफल मॉडल रह चुकी हैं, जिन्होंने साल 2016 की मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में फाइनलिस्ट रही हैं। इस बात की जानकारी मिस इंडिया की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने खुद शेयर की है, जिसमें लिखा है कि फेमिना मिस इंडिया 2016 की फाइनलिस्ट कैंपस प्रिंसेस दिल्ली 2016, दिल्ली फ्रेश फेस 2015 की विजेता ऐश्वर्या स्वराण ने सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 93 हासिल करते हुए हमें गौरवान्वित किया है। उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें बहुत बहुत बधाई। मीडिया से बातचीत के दौरान ऐश्वर्या ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम ऐश्वर्या राय के नाम पर रखा, क्योंकि वो मुझे मिस इंडिया बनते हुए देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि मैंने मिस इंडिया के 21वीं फाइनलिस्ट में चुन ली गई थी। हमेशा से प्रशासनिक सेवा का सपना लेकर चलने वाली ऐश्वर्या ने मॉडलिंग करियर से कुछ समय विराम लेकर सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी शुरू की और नतीजा सफल रहा। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के दौरान उन्होंने सोशल मीडिया और मोबाइल से दूरी बना ली थी और पूरा ध्यान परीक्षा पर केंद्रित किया। ऐश्वर्या के पिता कर्नल अजय कुमार, जो एनसीसी तेलंगाना बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐश्वर्या एक साइंस स्टूडेंट थी, लेकिन बाद में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लिया। फिलहाल इस सफलता से ऐश्वर्या खुश हैं और उनके परिवार और देश के लोग उन पर नाच कर रहे हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।